वफाकी वजीर आई टी सैयद अमीनुल हक ने कहा है कि मुल्क के दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड को तरजीह दे रहे हैं। इस्लामाबाद में आई टी एंड टेलीकॉम शो की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सरमायाकारों के लिए कारोबार में आसानियों के लिए खसूसी इकदाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मरतबा होने वाली मरदमशुमारी डिजिटल होगी। आई टी सेक्टर की तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चल रहे हैं। किसी भी ऐप या वेबसाइट को बंद करना मुल्क की तरक्की के लिए नुकसानदेह होगा। वजारत आई टी किसी भी तरक्की के रास्ते को मजबूत नहीं करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ आई टी का विजन है स्मार्ट फोन फॉर ऑल। अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान में 30+ कंपनी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। स्टार्टअप के लोगों को, फ्रीलांसर को हमेशा हर जगह पर फैसिलिटेट किया जाए, उनको जैसे ऐसा माहौल फराहम किया जाए जहां वो पैसे को प्लस नहीं करे बल्कि मल्टीप्लाई करे। उसका फायदा मुझे नहीं होगा, मेरे मुल्क को होगा। वज़ीरे तिजारत सैयद नवीद कमर ने अमरीकी नुमाइंदे खसूसी बराए तिजारत और कारोबारी उमूर दिलावर सैयद से पाकिस्तानी सफारतखाना वाशिंगटन में मुलाकात की। मुलाकात में पाक अमरीका दोतरफा तिजारती ताल्लुकात को बढ़ाने के जराए और तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमाया